बॉलीवुड इंडस्ट्री में 80 और 90 का दशक बॉलीवुड का बेहद खूबसूरत दशक था, क्योंकि इन्हीं दो दशक में कई खूबसूरत एक्ट्रेस ने जो इंडस्ट्री में कदम रखा था, जिनके सादगी भरी सुंदरता ने सबका दिल जीता। इतना ही नहीं, उन एक्ट्रेस का ड्रेसिंग स्टाइल भी लोगों को बहुत भाता था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और ड्रेसिंग स्टाइल के लिए मशहूर वो अभिनेत्रियां आज बहुत बदल गई हैं। समय के साथ साथ उन एक्ट्रेस में बहुत बदलाव आ गए हैं, इतने कि आप लोग इन एक्ट्रेस को एक नजर में पहचान भी नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो वो एक्ट्रेस शादी कर चुकी हैं और उनके बच्चे भी हैं, पर उनके पति और बच्चों के बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की 90 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस के बदले हुए लुक से रूबरू करवाएंगे, साथ ही उनके हस्बैंड और बच्चों के बारे में भी बताएंगे। तो फिर आइए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, सोनाली बेंद्रे। 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री रही सोनाली बेंद्रे, जिन्होंने अपनी सुंदरता, अपने सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल और लंबे बालों के साथ दर्शकों का दिल जीता। पर साल 2013 की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के बाद ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि इन्हें कैंसर है, जिसका इलाज कराने के लिए ये न्यूयॉर्क चली गईं। पर अब वहां से इलाज पूरा कर पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, मगर उस बीमारी की वजह से इनका लुक बहुत बदल गया। आज 46 साल की उम्र में इनकी सुंदरता थोड़ी फीकी हो गई है, साथ ही इनके लंबे बाल अब छोटे हो गए हैं, साथ ही साथ अब इनका ड्रेसिंग स्टाइल भी पहले से मॉडर्न हो गया है। आज ये जंप सूट और जीन्स टॉप जैसे कपड़े कैरी करती हैं, पर इन दिनों ये अपने आप को इंडस्ट्री से दूर रखकर अपने पति और बेटे के साथ मजे कर रही हैं। आपको बता दें, इन्होंने फिल्म मेकर गोल्डी बहल से 12 नवंबर 2002 को शादी की। दोनों की शादी को 18 साल हो गए हैं और बीते सालों में एक बेटे के मम्मी पापा भी बन चुके हैं। बात की जाए इनके बेटे की, तो इनका नाम है रणवीर बहल, जो 15 साल के हैं और पढ़ाई में बिजी हैं। नंबर 2, किमी काटकर। जुम्मा चुम्मा गर्ल नाम से मशहूर एक्ट्रेस किमी काटकर 80 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस रही हैं, जिनकी सुंदरता और ग्लैमरस ड्रेसिंग सेंस के सब दीवाने थे। पर 1992 की फिल्म जुर्म की हुकूमत के बाद ये किसी फिल्म में नजर नहीं आई और इंडस्ट्री से दूर हो गयी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज बहुत बदल गयी है। ये एक्ट्रेस आज 55 साल की हो गयी है और बढ़ती उम्र के साथ इनके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखती हैं। अब ये पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, इनके चेहरे पर झुर्रियां और रिंकल्स दिखती हैं। इसके अलावा इनका ड्रेसिंग सेंस बोल की जगह अब सिंपल हो गया है, जैसा कि आप इनकी पहले की और अब की तस्वीरों में फर्क देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज ये अपने एक्टिंग करियर को विराम देकर फिल्म इंडस्ट्री से दूर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में रहती हैं, अपने एड फिल्म मेकर पति शांतनु श्रॉय के साथ, जिनसे इन्हें एक बेटा भी है सिद्धार्थ, जो अपने पिता की तरह बतौर फोटोग्राफर काम कर रहे हैं। नंबर 3, जूही चावला। इश्क, यस बॉस और बोल राधा बोल जैसी हिट फिल्में देने वाली जूही चावला ने 90 के दशक में अपनी सुंदरता, घुंघराले बाल और अच्छे ड्रेसिंग स्टाइल के साथ लोगों को दीवाना बनाया। लेकिन आपको बता दें, 90 के दशक में लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली ये अभिनेत्री इन बीते सालों में बहुत बदल गयी है। ये आज 53 साल की हो गयी है। जहाँ पहले ये अपने घुंघरेले बालों के साथ हर फिल्म में नजर आती थी, आज इनके वही घुंघरेले बाल स्ट्रेट हो गए हैं, साथ ही इनका लुक बहुत बदल गया है और ग्लैमरस भी हो गया है। साथ ही स्टाइलिश ड्रेसेस भी कैरी करती हैं, जिसमें ये आज पहले से ज्यादा सुंदर दिखती हैं। आप भी इनकी पहले और आज की तस्वीरों में फर्क देख सकते हैं। वही आज भी ये फिल्मों में एक्टिव है और अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी है। बात करें इनकी निजी जिंदगी की, तो इन्होंने बिजनेसमैन जय मेहता से साल 1995 में लव मैरिज की। वही बात करें इनके बच्चे की, तो इनके दो बच्चे हैं, जिनमें इनकी बड़ी बेटी का नाम है जानवी मेहता, जो 20 साल की हैं और पढ़ाई कर रही हैं। वही इनके बेटे हैं, जिनका नाम है अर्जुन, वो अभी 17 साल के हैं और पढ़ाई में बिजी हैं। नंबर 4, सोनम। त्रिदेव फिल्म में जय बने नसीरुद्दीन शाह की गर्लफ्रेंड तो आपको याद होंगी, उसी गर्लफ्रेंड के रूप में अभिनेत्री सोनम नजर आई। ये उस फिल्म में जीरो फिगर के साथ काफी बोल्ड अवतार में दिखी। आखिरी बार इन्हें साल 1994 की फिल्म इंसानियत में देखा गया। लेकिन बता दें, इन बीते सालों में एक्ट्रेस बहुत बदल गई हैं। आज 48 साल की उम्र में पहले की तरह सुंदर नहीं दिखती, काफी ज्यादा मोटी भी हो गई हैं। साथ ही अब इनके हेयर स्टाइल से लेकर इनका ड्रेसिंग सेंस भी बदल गया है। अब ये जीन्स टॉप के साथ साथ सूट सलवार जैसी ड्रेसेस कैरी करती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले, इन बीते सालों में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को ब्रेक दे दिया है और बीते दिनों में लाइमलाइट की दुनिया से दूर हैं। अपने दूसरे पति डॉक्टर मुरली के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। मुरली से शादी करने से पहले इन्होंने राजीव राय से शादी की
जिनसे इन्हें एक 23 साल का बेटा गौरव भी है, पर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 5, नगमा। 90 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं नगमा, जिन्होंने सलमान खान से लेकर सनी देओल तक सबके साथ फिल्में की, और उन्हीं फिल्मों में ये कभी सूट तो कभी शॉर्ट सर्किट टॉप पहने नजर आए। आखिरी बार इन्हें साल 2008 में भोजपुरी फिल्म में देखा गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पहले सूट स्कर्ट और टॉप जैसे अवतार में नजर आई ये अदाकारा बदलते वक्त के साथ बहुत बदल गई हैं। आज 40 साल की उम्र में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखती, साथ ही ये पहले से बहुत मोटी हो गई हैं, जिससे इनकी सुंदरता फीकी हो गई है। साथ ही अब इनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बदल गया है, अब ये सादगी भरी साड़ी सूट जैसे सिंपल अवतार में दिखती हैं। इन्हें इस अवतार में देख आज इन्हें एक नजर में पहचानना मुश्किल है। वहीं आपको बता दें इन्होंने एक्टिंग की दुनिया छोड़ दी है, और बेशक अब ये पर्दे पर नजर न आ रही हो, मगर फिल्मी पर्दे से दूर बीजेपी पार्टी में एक राजनेता की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। पर आज भी अपनी जिंदगी में सिंगल हैं। इनका सौरभ गांगुली, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे लोगों के साथ असफल रिश्ता रह चुका है, जिसके बाद अब तक इन्होंने किसी से शादी नहीं की, इसलिए इनकी कोई संतान नहीं है। तो दोस्तों आप इनमें से किस एक्ट्रेस का बदला हुआ रूप देखकर इन्हें पहचान नहीं पाए, साथ ही आप उनमें से किसके पति और बच्चों के बारे में जानकर हैरान हो गए, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।